कर्नाटक के चामराजनगर से बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का रविवार रात बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में देहांत हो गया। वी श्रीनिवास प्रसाद ने 76 साल की आयु में आखिरी सांस ली। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से वो आईसीयू में थे। श्रीनिवास कई बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्हें 22 अप्रैल को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वी श्रीनिवास प्रसाद के निधन की वजह मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया गया है। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो वी श्रीनिवास चामराजनगर से 7 बार सांसद और नंजनगुड से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी की थी। वी श्रीनिवास प्रसाद का जन्म 6 जुलाई 1947 को मैसूर के अशोकपुरम में हुआ था। उन्होंने 17 मार्च 1974 को कृष्णराज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। पहले कांग्रेस, फिर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद फिर से कांग्रेस में लौटने से पहले उन्होंने 1980 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अपनी लोकसभा यात्रा शुरू की। 2016 में सिद्धारमैया कैबिनेट से हटाए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है, और देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।